वेलकम किड्स, शांति कुछ ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। ये आपकी राइम्स की वीडियो है, यस, जिसका आप सबको बहुत बेसब्री से इंतज़ार रहता है। तो आज बच्चों हम पोएम करेंगे थ्री लिटिल्स किटन्स। ऑल राइट, थ्री लिटिल किटन्स। किटन्स किसको कहते हैं हम? बिल्ली के बच्चे को। यस, बिल्ली के बच्चे जो छोटे छोटे से होते हैं, बहुत क्यूट से होते हैं, देखने में बहुत अच्छे लगते हैं, है ना। आपके घर के आसपास आपने बिल्ली देखी है, उसके बच्चे भी होते हैं, वो जो आगे पीछे घूमते रहते हैं, बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट से होते हैं। तो चलिए आज हम इनकी पोएम स्टार्ट करते हैं। सो किड्स, लेट्स स्टार्ट आवर पोएम थ्री लिटिल किटन्स। ओके, थ्री लिटिल किटन्स, दे लॉस्ट देयर मिटन्स। यानी कि तीन बिल्ली के बच्चे जिनका मिटन्स खो गए, मिटन्स माने दस्ताने, ठीक है। एंड दे बिगेन टू क्राई। अब जब उनके दस्ताने खो गए तो क्या करने लगे, वो रोने लगे, चिल्लाने लगे। ओ मदर डियर, वी सैडली फियर। कह रहे मम्मी हमको बहुत बुरा लग रहा है, हमको डर लग रहा है। और मिटन वी हैव लॉस, क्योंकि हमारे दस्ताने खो गए हैं, हमारे दस्ताने पता नहीं कहाँ चले गए हैं। थ्री लिटिल किटन्स, दे फाउंड दे आर मिटन्स। तीन बिल्ली के बच्चे जिनको उनके वापस से मिटन जो थे दस्ताने मिल गए। एंड दे बिगेन टू क्राई, और वो वापस से फिर से चिल्लाने लगे। क्या चिल्लाते हैं? ओ मदर डियर, सी हेयर, सी हेयर। मम्मी आओ ना जल्दी से, देखो ना यहाँ, देखो ना यहाँ। आर मिटन्स वी हैव फाउंड, हमारे दस्ताने हमको मिल गए हैं, ठीक है। अब देखिए पोएम को कैसे लर्न करेंगे आप। आप बोलेंगे थ्री लिटिल किटन्स, दे लॉस देयर मिटन्स। थ्री लिटिल किटन्स, दे लॉस देयर मिटन्स। एंड दे बिगेन टू क्राई, एंड दे बिगेन टू क्राई। ओ मदर डियर, वी सैडली फेयर। ओ मदर डियर, वी सैडली फेयर। आर मिटन्स वी हैव लॉस, आर मिटन्स वी हैव लॉस। थ्री लिटिल किटन्स, दे फाउंड देयर मिटन्स। थ्री लिटिल किटन्स, दे फाउंड देयर मिटन्स। एंड दे बिगेन टू क्राई, and they begin to cry. Oh mother dear, see here, see here. Oh mother dear, see here, see here. Our mittens we have found, our mittens we have found. ठीक है, एक बार फिर से। Three little kittens, they lost their mittens. Three little kittens, they lost their mittens. And they begin to cry, and they begin to cry. ओ मदर डियर, वी सैडली फेयर। ओ मदर डियर, वी सैडली फेयर। आर मिटन वी हैव लॉस, आर मिटन्स वी हैव लॉस। थ्री लिटिल किटन्स, दे फाउंड देयर मिटन्स। थ्री लिटिल किटन्स, दे फाउंड देयर मिटन्स। एंड दे बिगेन टू क्राई, एंड दे बिगेन टू क्राई। ओ मदर डियर, सी हेयर, सी हेयर। ओ मदर डियर, सी हेयर, सी हेयर। आर मिटन्स वी हैव फाउंड, आर मिटन्स वी हैव फाउंड। देखा ना, ये देखिए तीन बच्चे हैं उसके बिल्ली के। कैसी लगी पोएम? अच्छी है ना, आपको अच्छे से लर्न भी हो जाएगी जल्दी से। आप वीडियोस को एटलीस्ट थ्री टाइम्स देखिएगा तो आपको पोएम बहुत आसानी से लर्न हो जाएगी। ऑल राइट, ये हो गई हमारी इंग्लिश की पोएम। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं हिंदी पोएम। तो स्टूडेंट्स, हिंदी कविता में आज हम सीखेंगे गिनती का खेल। गिनती आप सबको आती है, गिनती का मतलब काउंटिंग, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। यही काउंटिंग के बेस पे हमारी ये पोएम है। तो सभी बच्चे जल्दी से तैयार हो जाइए, हमारी पोएम का नाम है गिनती का खेल। तो सब बच्चों ने ध्यान से मैम को वीडियो देखना शुरू कर दिया है। देखिए इस पिक्चर से ही गिनती बनी है ना, दिख रही है, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे ये है। तो चलिए हम अपनी पोएम भी शुरू करते हैं। 1 2 3 4 अब लो पढ़ लो मेरे यार। 1 2 3 4 अब तो पढ़ लो मेरे यार। 5 6 7 8 पढ़ने से है सबके ठाट। 5 6 7 8 पढ़ने से है सबके ठाट। 9 10 का भी अपना हाथ यही हमें सिखलाता पाठ। 9 10 का भी अपना हाथ यही हमें सिखलाता पाठ, है ना। यानी कि बताया है कि आप कह रहे हैं कि बहुत खेल लिया, बहुत कूद लिया, चलो अब गिनती पढ़ लेते हैं। पढ़ लोगे तो अच्छी बात है, और गिनती सीखने से आपके पर एटीट्यूड जमा सकते हो, अपना बहुत जमा सकते हो। देखो मुझे तो काउंटिंग आती है, तुमको तो आती भी नहीं है, है ना।
और कह रहे हैं 9-10 का भी अपना साथ यही सिखलाता हमें पार्ट, 9-10 भी साथ में रहता है, इसका मतलब कहते हैं कि हम लोग को हर काम साथ साथ करना चाहिए, शेयर करना चाहिए, है ना। तो चलिए मैं फिर से पोएम करवाती हूँ। 1, 2, 3, 4 अब तो पढ़ लो मेरे यार, 1, 2, 3, 4 अब तो पढ़ लो मेरे यार, 5, 6, 7, 8 पढ़ने से है सबके थर्ड, 5, 6, 7, 8 पढ़ने से है सबके थर्ड, 9-10 का भी अपना हाथ यही हमें सिखलाता पाठ, 9-10 का भी अपना हाथ यही हमें सिखलाता पाठ। ओके हो गई पोयम, आगे याद हो गई ना सबको, बहुत इजी है, बहुत इंटरेस्टिंग है, सब बच्चों को पहली बार वीडियो देखने से भी लर्न हो जाएगी, ठीक है। आप इस वीडियो को बार बार देखिएगा और आपको अच्छे से फिर पोयम लर्न हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नई पोयम के साथ में। ओके बाय बाय।